और लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो गया है। दरअसल मध्य प्रदेश की 12 सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार घोषित किए हैं और छत्तीसगढ़ की बस्तर सीट पर उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। राजगढ़ से दिग्विजय सिंह को टिकट, झाबुआ से कांतिलाल भूरिया को टिकट दिया गया है और साथ ही जबलपुर से दिनेश यादव को टिकट, उज्जैन से महेश परमार को टिकट दिया गया है, सागर से गुड्डू राजा बुंदेला को टिकट दिया गया है तो रीवा से नीलम अभय मिश्रा को टिकट दिया गया है, शहडोल से कुंदेलाल मार्को को टिकट दिया गया है, बालाघाट से सम्राट सारस्वत को टिकट मिला है, मंदसौर से दिलीप सिंह गुर्जर को टिकट दिया है, इंदौर से अक्षय कांति बम को टिकट दिया गया, होशंगाबाद से संजय शर्मा, भोपाल से अरुण श्रीवास्तव, बस्तर से कवासी लखमा, यहाँ पर टिकट बदला गया, पहले दीपक बैज सिटिंग सांसद अभी हैं कांग्रेस पार्टी के, जबकि अब यहाँ से कवासी लखमा को लोकसभा चुनाव लड़ने का मौका कांग्रेस पार्टी दे रही है। और मध्यप्रदेश की 6 सीटों पर ऐलान होना बाकी है। गुना, विदिशा, ग्वालियर, मुरैना, दमोह, खंडवा सीट अभी होल्ड पर है। इस लोकसभा चुनाव में अब कांग्रेस पार्टी शने शने आगे बढ़ रही है और अपनी चुनावी तैयारियों में अब कोई कमी छोड़ना नहीं चाहती। हालांकि कुछ सीटों पर ऐलान होना बाकी है, लेकिन ये कि प्रथम चरण की जो सीटें हैं मध्य प्रदेश की 6 या फिर छत्तीसगढ़ की 1, उन सभी सीटों पर उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं। बस्तर सीट का बार बार जिक्र हो रहा था, बस्तर सीट से कौन कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार होगा और यहाँ पर कवासी लखमा को कांग्रेस पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है, जबकि सिटिंग सांसद दीपक बैज का टिकट कांग्रेस पार्टी ने काटा है। प्रदेश अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी वो अभी संभालेंगे और साथ ही इस पूरे लोकसभा चुनाव में कवासी लखमा बस्तर लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व करेंगे कांग्रेस पार्टी की तरफ से। बहरहाल बस्तर की ये सीट बहुत ही महत्वपूर्ण है और पहले चरण में यहाँ वोटिंग होनी है और कांग्रेस पार्टी ने यहाँ से कवासी लखमा को टिकट दिया है। बिल्कुल, और इससे पहले लगातार कवासी लखमा की ये मांग थी कि उनके बेटे को टिकट दिया जाए, लेकिन शायद बातचीत नहीं हुई और इस बारे में बात नहीं बन पाई, इसलिए कवासी लखमा को टिकट दिया गया। हालांकि दीपक बैज का नाम भी आ रहा था बस्तर से, लेकिन अब कवासी लखमा प्रत्याशी हैं कांग्रेस पार्टी के बस्तर से। और बात करें अगर बस्तर की तो 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होना है जहां बस्तर में वोट डाले जाएंगे, इसके लिए तैयारियां की जा रही हैं। तो अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है और नामांकन के लिए भी 27 मार्च तक का ही वक्त था। कांग्रेस पार्टी ने भी लिस्ट जारी कर दी है, अभी भी 4 सीट ऐसी है जहां पर पेच फंस रहा है, जहां के प्रत्याशियों का ऐलान नहीं किया अभी भी कांग्रेस पार्टी ने। 24 के महासंग्राम में किसके बीच मुकाबला होगा वो चेहरे भी आप देख लीजिए, जहां बीजेपी की तरफ से अगर शंकर लालवानी है तो अक्षय कांति बम जो है कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी होंगे, जनार्दन मिश्रा और नीलम के बीच में मुकाबला होगा, रोडमल और दिग्विजय सिंह के बीच मुकाबला होगा, शंकर लालवानी और अक्षय कांति के बीच मुकाबला होगा। तो ये रीवा की तस्वीर और राजगढ़ में कैसा मुकाबला होगा ये हम आपको दिखा रहे हैं, कहां पर किस तरह मुकाबला होगा बीजेपी और कांग्रेस के बीच, कौन से चेहरे होंगे। और शहडोल की बात करें तो आप देखिए किसके बीच मुकाबला होगा, और रतलाम में भी कुछ इसी तरह मुकाबला देखने को मिल रहा है। जो सीट्स जहां पर कांग्रेस ने अभी तक प्रत्याशियों के नामों का ऐलान नहीं किया था, इंतजार था कि कब तक आखिर ऐलान किया जाएगा, लेकिन अब जब ऐलान हो चुका है तो कहा जा रहा है कि मुकाबला काफी दिलचस्प होने वाला है। और बात करेंगे हमारे सहयोगी जगदलपुर से श्रीनिवास नायडू और भोपाल से वासु चौरे इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। वासु, प्रथम चरण की सभी सीटों पर उम्मीदवार आ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी ने जो नई लिस्ट जारी की है, बड़ा समय लगा, क्या पता चल पाया खींचतान इतना समय किस वजह से? निश्चित तौर पर देखिए, कांग्रेस के सामने मध्यप्रदेश में कई सारी चुनौतियां हैं, एक तरफ लगातार नेताओं का दल बदल जारी है, दूसरी तरफ कांग्रेस के ऊपर एक परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने का प्रेशर भी है, क्योंकि 19 के चुनाव में कांग्रेस एक सीट जीत पाई थी,
23 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बुरी तरह से शिकस्त का सामना करना पड़ा, इसलिए कांग्रेस ने कड़ी मशक्कत की है और तमाम उन नामों को लेकर बार बार मंथन किया है जो तमाम जातीय क्षेत्रीय और सियासी समीकरणों पर सेट बैठे हैं और मध्यप्रदेश में कांग्रेस के लिए कुछ अच्छे कुछ बेहतर परिणाम ला सके। हालांकि एक वजह ये भी इस पूरी लिस्ट में जो देरी हुई इसके पीछे बताई जा रही है कि बड़े नेता जो है मध्यप्रदेश में, चाहे दिग्विजय सिंह हो, कमलनाथ हो, अरुण यादव हो, जीतू पटवारी हो, उमंग सिंगार हो, इनके चुनाव लड़ने ना लड़ने को लेकर कई तरीके से, और अगर लड़ेंगे चुनाव तो कौन सी सीट से लड़ेंगे, जैसा कि अरुण यादव ने गुना से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की थी, इन तमाम बातों को लेकर एक लंबी बातचीत का जो दौर है, एक लंबी चर्चा का जो दौर है वो चला और उसके बाद ये पूरी सीट्स जो है वो फाइनल होकर आ पाई है। हालांकि अभी भी कई ऐसी हाई प्रोफाइल सीट्स हैं जहां पर कांग्रेस ने उम्मीदवार घोषित नहीं किए। गुना को लेकर बार बार चर्चा हो रही थी, वहां पर अभी तस्वीर साफ होना बाकी है, लेकिन जिस तरीके की बात कही गई थी और जो हमने खबर शुरू से दिखाई कि बड़े नेता मध्यप्रदेश में चुनाव लड़ेंगे, अगर आप कांग्रेस की इस दूसरी सूची पर नजर डालते हैं तो दिग्विजय सिंह जो पूर्व मुख्यमंत्री है मध्यप्रदेश के, वो राजगढ़ से चुनाव लड़ रहे हैं, रोडमल नागर के खिलाफ वो चुनाव लड़ेंगे, और दूसरे जो बड़ा नाम सीनियर नाम यहां पर नजर आ रहा है वो कांतिलाल भूरिया का है, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री भी है, पूर्व पीसीसी चीफ भी है, वो भी चुनावी मैदान में जो है वो दम भरते हुए नजर आएंगे। और इसके अलावा कई सारी युवा चेहरे, फिर आप भले ही नरसिंहपुर होशंगाबाद से संजय शर्मा को आप देख लें, पूर्व विधायक रहे, उनको चुनावी मैदान में उतारा गया है, इंदौर से अच्छे चुनाव लड़ेंगे, तो इस तरीके और अभी भी कई सीट ऐसी हैं जहां से कांग्रेस ने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान नहीं किया है। श्रीनिवास नायडू भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्रीनिवास, बात करें अगर छत्तीसगढ़ की तो पहले चरण में बस्तर में चुनाव होने और बस्तर को लेकर बीते कई दिनों से मामला फंसा हुआ था। कवासी लखमा ये चाह रहे थे कि उनके बेटे को टिकट दे दिया जाए, लेकिन वहां से दीपक बैज ने भी इच्छा जाहिर की थी चुनाव लड़ने के लिए, आखिरकार कवासी लखमा को ही टिकट दिया गया। यहां पर मुकाबला कितना दिलचस्प होगा और बाकी बची हुई सीटों पर नाम कब सामने आ जाएंगे? देखिए, छत्तीसगढ़ का जो बस्तर इलाका है काफी संवेदनशील इलाका है और नक्सल प्रभावित इलाका है, और इस सीट में पहला चरण का जो मतदान है 19 अप्रैल को होना है। भाजपा की ओर से जो प्रत्याशी है महेश कश्यप, ये धुआंधार प्रचार भी तेज कर दिए, तो वहीं कांग्रेस के जो प्रत्याशी का नाम आजकल करते हुए कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता और बस्तर के लोग भी टकटकी निगाह लगाए थे कि कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी कौन होगा। अब वासी लखमा का नाम सामने आ गया और दीपक बैज का टिकट पूरी तरह से काट दिया गया है। अब देखना होगा, क्योंकि कांग्रेस के जो कवासी लखमा है, पूर्व सरकार में आबकारी मंत्री रहे, प्रदेश के कद्दावर मंत्री रहे, आदिवासी बेल्ट में अच्छी पकड़ मानी जाती है, अब इन दोनों नेताओं के बीच में जो मुकाबला काफी टक्कर होगा। लेकिन हाँ, यह है कि कांग्रेस के लिए समय काफी कम है, क्योंकि आज और कल दो दिन छुट्टी है और 27 मार्च तक नामांकन दाखिल करने का अंतिम समय। ऐसे में कार्यकर्ता भी अपने आप को वो असहज महसूस कर रहे हैं कि आखिर इतनी जल्दी कैसे प्रचार होगा, और चूंकि मंत्री जो पूर्व मंत्री कवासी लखमा अब बस्तर कब आएंगे, अब देखना होगा, क्योंकि मुकाबला काफी रोचक है, क्योंकि भाजपा की ओर से महेश कश्यप भी बहुत अच्छे उम्मीदवार बताए जा रहे हैं, तो कवासी लखमा भी पुराने नेता है, तो उनकी पकड़ पूरे बस्तर जो संभाग है 8 संसदीय सीट में जरूर बनी हुई है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में प्रचार कैसे होता है और इनका जो मुकाबला कितना रोचक होता है। जी, एक बात और यहां पर जानने योग्य रह गई है श्रीनिवास की। पहले कवासी लखमा इच्छा जाहिर कर रहे थे और पूरी कोशिश कर रहे थे कि उनके बेटे को यहां से टिकट मिल पाए, दीपक बैज की अपनी दावेदारी थी, हालांकि खुलकर उन्होंने कहीं पर भी इस बारे में जिक्र नहीं किया, जैसा पार्टी का आदेश हो वही रटे रटाए बयान यहां पर आए। लेकिन क्या ये कांग्रेस पार्टी ने कोई बीच का रास्ता निकाला है कि कवासी लखमा को टिकट दे दिया जाए, ताकि बीजेपी की तरफ से जो बार बार परिवारवाद के आरोप लगाए जाते थे इस लोकसभा चुनाव में, इस सीट पर कम से कम वो आरोप से बच सके, अपने आप को बचा सके? जी बिल्कुल, चूंकि कांग्रेस में अंदर ही जो लड़ाई है वो खुलकर सामने आ रही है, खुलकर सामने देखने को मिल रही है। कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो आपस में ही कह रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर काफी लड़ाई देखी जा रही है। चूंकि दीपक बैज सिटिंग एमपी है तो उनका टिकट कैसे काटा जाएगा, ये पहला सवाल है। दूसरा यह है कि दीपक बैज के जो विरोधी है काफी ओर से, मतलब मुखर होकर दिल्ली पहुंचते हैं, और कवासी लखमा के साथ जो तमाम बस्तर के नेता है वो पहुंचते हैं, और कवासी लखमा खुद अपने पुत्र के लिए टिकट की मांग करते हैं। ऐसे में हाईकमान जो कांग्रेस का जो बड़े नेता वो विचार कर रहा था कि अगर
का टिकट काटा जाता है तो हरीश कवासी लखमा का टिकट देने से क्या रिजल्ट बस्तर में मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं कवासी लखमा को लाकर ये दीपक बैज का जो कद है उसके हिसाब से कवासी लखमा को दिया गया ताकि कवासी लखमा बस्तर की जो सीट है जो आठ जो विधानसभा सीट आती है बस्तर संसदीय सीट में उसको प्रभाव बनाए रखे और वहां पर क्योंकि ये पुराने नेता है ऐसे में दीपक बैज भी अब इनके पक्ष में प्रचार करते हैं यानी ये तो समय बताएगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी के अंदर काफी लड़ाई ये खुल के सामने देखने को मिली। बने रहिए, श्रीनिवास वासु भी हमारे साथ जुड़े हैं। वासु जी, तो पटवारी ये कह रहे थे कि 50% हम जो है वो 50% तक लगभग युवा चेहरे को हम मौका देंगे, तो क्या कांग्रेस की लिस्ट में इस फैक्टर को ध्यान में रखा गया? निश्चित तौर पर देखिए, कांग्रेस की जो सूची आई है उसमें ये फैक्टर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, नजर आ रहा है। कांग्रेस ने कहा था कि 50% टिकट 50 साल से कम उम्र के नेताओं को दिया जाएगा और जो बड़ी संख्या में टिकट्स हैं वो यूथ कांग्रेस के कोटे से भी दिए जाएंगे। तो इस तरीके की जो मिली जुली लिस्ट है वो अगर आप अभी तक के 22 नामों पर नजर डालते हैं तो वो कांग्रेस की कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट कर रही है, नजर आ रही है। एक और आप जहां देखेंगे कि दिग्विजय सिंह, कांतिलाल भूरिया, कमलेश्वर पटेल जैसे जो मध्यप्रदेश के बड़े चेहरे हैं, सीनियर नेता हैं, ओमकार मरकाम को आप इसमें शामिल कर लीजिए, तो ये लोग भी चुनावी मैदान में उतरे हैं, ये भी ताल ठोक रहे हैं। और दूसरी तरफ कई युवा प्रत्याशी जो हैं, कई नए प्रत्याशी जो हैं, चाहे रामू टेकाम की आप बात करिए, सिद्धार्थ कुशवाहा की आप बात कर लीजिए, संजय शर्मा की आप बात करिए, अक्षय इमाम की बात करिए, तो ये नए चेहरे भी हैं जिनको कांग्रेस ने चुनावी मैदान में उतारा है। और कांग्रेस की इसके जरिए ये कोशिश है कि जो यूथ वोट बैंक है, जो लगातार ये कहा जाता है कि बीते चुनावों में कांग्रेस का साथ जिसने नहीं दिया है बीजेपी की तरफ पीएम मोदी के फेस पर, वो यूथ वोट बैंक डाइवर्ट हुआ है, तो युवाओं को अब आगे करके कांग्रेस कहीं ना कहीं ये मैसेज भी देने की कोशिश कर रही है कि हम नए चेहरों को, यूथ को बढ़ाने की पॉलिसी पर काम कर रहे हैं। राहुल गांधी ने जिस तरीके से युवाओं के लिए अप्रेंटिसशिप की बात की, नौकरियों की बात की, तो ये तमाम जो समीकरण है कांग्रेस इनको साधने की कोशिश फिलहाल जो है वो करती हुई नजर आ रही है। बहरहाल देखना होगा कि मध्यप्रदेश में जो करोड़ों की संख्या में यूथ वोट बैंक है, एक ऐसा बड़ा वोटर वर्ग है जो इस चुनाव में फर्स्ट टाइम वोटर होगा, तो वो कितना कांग्रेस के साथ आता है, वो कितना कांग्रेस के पक्ष में मतदान करता है और स्थितियां कांग्रेस के लिए इन चुनावों में कितनी बदली हुई नजर आती हैं। हालांकि इतना आसान कांग्रेस के लिए नहीं होगा क्योंकि बीजेपी की जिस तरह से तैयारियां अभी चल रही हैं और जिस तरह से तैयारियां पहले विधानसभा चुनाव में भी हमने देखी कि उनका माइक्रो लेवल का जो मैनेजमेंट है उसने बहुत बेहतरीन काम करके दिखाया कांग्रेस की, तो सूची अभी बहुत हद तक कल ही जो है वो साफ हो पाई। अभी भी करीब आधा दर्जन सीटें बची हुई हैं जहां पर कांग्रेस को अपने उम्मीदवारों की घोषणा करना अभी भी बाकी है, तो ऐसे समय इसमें लगेगा। इसका अंदाजा इस बात से भी वासु हो जाता है कि ये लिस्ट आने में